अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, ग्राफिक डिज़ाइनिंग की लास्ट एक्सरसाइज है। इंस्ट्रक्शंस ये हैं कि आपने अडोब फोटोशॉप के ऊपर बनाना है, लेकिन अगर आप प्रीवियस वीडियोस जो हैं वो देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि हम फोटोशॉप या इलस्ट्रेटर जो कंपैरेटिवली यूज़ किया जाता है जो वीडियोस के अंदर, बाकी सारी वीडियोस के अंदर यूज़ किया जाता है वो फोटो भी है, और उसके ऊपर हम जो हैं वो अपनी वीडियो सॉरी एक्सरसाइज जो है वो हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये भी हम उसी के ऊपर करेंगे, और एट द एंड आप जो है वो अगर आपने प्रीवियस सबमिट नहीं कराई हुई तो वो भी आप क्विजेज और एक्सरसाइज सॉल्व करके सबमिट करा सकते हैं। लर्निंग आउटकम ये है कि आपने किस तरह से फोटोशॉप के डिफरेंट फीचर्स और टूल्स को यूज़ करते हुए आप एक एडिटिंग करते हैं, किस तरह से एडिटिंग के फीचर क्या होते हैं, एक चीज़ जो है मतलब इमेज जो है उसके ऊपर ऑब्जेक्ट रिमूवल के इफेक्ट किस तरह से अप्लाई होता है, क्लोनिंग का इफेक्ट किस तरह से अप्लाई होता है, रिटचिंग और एडिटिंग किस तरह से की जाती है, ये चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी। उसके बाद है प्रॉब्लम स्टेटमेंट। प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है, फर्स्ट कर लें कि आप जो है अब वो फ्री लांसर प्लेटफॉर्म के ऊपर एज अ इमेज एडिटर सर्विस जो है वो अपनी प्रोवाइड कर रहे हैं, और आपके पास आया जी एक क्लाइंट जो ये चाहता है कि आप उसकी जो पिक्चर है उसके अंदर से आपने जो है वो दो फ्रेंड्स हैं उसके, वो आपने रिमूव करना, और उसकी जो है कंडीशन लाइट की वो थोड़ी सी आपने इन्हांस करनी है, और बाकी जो फिक्सेशन की ज़रूरत है वो आपने कर देनी है। नीचे आपको नज़र आ रहा है एक लिंक, इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे ना तो ओपन लिंक की न्यू टैब आएगा, उस पर जाके आपने सिंपल जो है वो पिक्चर उसको डाउनलोड कर लेना है, ताकि उसको हम जो है वो फर्दर अपनी सोल्यूशन के लिए यूज़ कर सके। गाइडलाइन ये है कि आपने दो जो आदमी है उसको रिमूव करना जो लेफ़्ट साइड पर खड़े हैं, आपने बैकग्राउंड जो है वो एडजस्ट करना व्हेन यू रिमूव द गाइस। उसके बाद है आपने जो ब्लू टाई वाला आदमी है ना जो आपका क्लाइंट है, उसने कहा है कि उसको आपने सेंट्रलाइज करना, मतलब सेंटर के अंदर लेके आना, और बैकग्राउंड और उसकी इमेज की क्वालिटी जो है वो आपने क्लियर करनी है। उसके बाद स्पॉट्स जो होंगे बैकग्राउंड पर वो आपने क्लियर करने हैं, नेसेसरी जो आपको रिटचिंग ज़रूरी लगे वो आपने दे देनी है, ठीक है। उसके बाद है रिक्वायरमेंट कि आपने ये जब आप एडिट कर रहे हो तो पहले टास्क के अंदर आपने 3 स्क्रीनशॉट प्रोवाइड करने हैं, सेकेंड में आपने फाइनल अपना वर्जन जो है उसका स्क्रीनशॉट देना है, एंड द थर्ड इज कि आपने फर्स्ट जो है एक स्क्रीनशॉट देना है लेयर पैनल का, और अगर आपको समझ नहीं आती तो वो आप एक्सरसाइजेस दे सकते हैं, वो ना आपके सामने नंबर शो हो रहा है वो आप देख सकते हैं, और एक्सटेंशन 9 अगर आप सेलेक्ट करेंगे तो आपसे आपको इससे रिलेटेड जो है वो वीडियोस प्रोवाइड की गई हैं वो आप देख सकते हैं, एंड मेक श्योर कि आपका फाइल का जो फॉर्मेट है वो डॉक्यूमेंटेशन बना होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपने जिस तरह से हम फॉर्मेट बनाते हैं इस तरह से आपने बना लेना। लास्ट एक्सरसाइज है, फिर आपको बता रही हूँ कि आप जो है वो इसके बाद अपने रिमेनिंग क्विजेज, और अगर आपके मार्क्स सही नहीं आए तो वो आप दोबारा दे सकते हैं। फ़ोटो भी हमने ओपन कर लिया, फाइल के ऊपर चले जाएं या न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर चले जाएं तो आपके सामने जो है वो आपने सिंपल यहाँ से आपको ईजीली बता रही हूँ, फाइल के ऊपर जाएंगे, ओपन का बटन आपको नज़र आएगा, इस तरह से आपके सामने बॉक्स आएगा जहाँ पर आपने अपनी फाइल जो इमेज सेव डाउनलोड की थी उसको आपने सेलेक्ट कर लेना, ओपन के ऊपर क्लिक कर देना, तो आपके कैनवस के ऊपर जो है वो इमेज है जिसके ऊपर हमने मतलब सारी एडिटिंग वगैरह करनी है वो आपके सामने जो है वो इस तरह से नज़र आ जाएगी, ठीक है। और ये इमेज आपके सामने नज़र आ रही है, अब आपने क्या करना है जिस साइड पे आपको लेयर पैनल नज़र आ रहा है जहाँ पे लिखा है बैकग्राउंड, उसको आपने कंट्रोल जे प्रेस करना है ताकि लेयर जो है वो डुप्लीकेट हो जाए, बाकी सारा काम जो है वो हम लेयर 1 के ऊपर करेंगे। अब उसने क्या कहा था कि आपने इसको दो आदमियों को करना है, ये आपको नज़र आ रहा है, राइट क्लिक करेंगे ऊपर रेक्टेंगल सेलेक्ट करेंगे तो रेक्टेंगल में आदमी जो है वो सेलेक्ट हो जाएंगे, मतलब दो आदमी जो हैं वो अगर हम यूज़ करें रेक्टेंगल सिलेक्शन तो वो इस तरह से हम जो है वो कर सकेंगे। बाकी मैं आपको इस तरह से भी बता दूंगी और इसका ईजिएस्ट वे जो है वो भी बता दूंगी, ठीक है। इस तरह से हमने जो है ये सेलेक्ट कर लिया, और जब सेलेक्ट कर लेंगे तो आपको नज़र आ रहा है ऊपर एडिट का बटन, उसके ऊपर चले जाएँ या फिर शिफ्ट F5 प्रेस करें और ये विंडो आपके सामने आएगी। फिल के ऊपर आपने जाके कंटेंट अवेयर का बटन प्रेस करना है, एंड देन ओके के ऊपर आपने क्लिक कर देना, ठीक है। बाकी और कोई चीज़ को आपने हाथ नहीं लगाना, नॉर्मल ब्लेंड मोड नॉर्मल ही रहने देना है, ओबेसिटी 100%, प्रिजर्व ट्रांसपेरेंसी का जो बॉक्स है उसको अनचेक रखना है, बस फिल के बटन में जाके आपने कंटेंट अवेयर या वो चूज़ कर लेना और ओके के ऊपर क्लिक कर देना। जब आप ओके के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये जो आदमी आपको नज़र आ रहे हैं
ये हो जाएंगे इस तरह से गायब, और पीछे जो आपको नज़र आ रही है वो हो गई है डिस्टॉर्शन। अब आपने इसको किस तरह से करना है, आप दोबारा से अगर इसको सेलेक्ट करें इस तरह से एम प्रेस करके, तो कंटेंट अवेयर दोबारा से करें तो आपके सामने जो है वो इस तरह से चेंजिंग आ जाएंगी। ठीक है, इस तरह से आपके सामने जो है वो चेंजिंग होंगी। लेकिन ये मैंने आपके सामने करके बता दिया आपको, मैं जो हूँ वो यूज़ करूँगी। इसी तरह से आप शिफ्ट F5 प्रेस करते जाएंगे तो आपके सामने आ जाएगा। लेकिन ज़रूरी है कि आप सबसे पहले उस एरिया को पहले एम प्रेस करें, फिर सेलेक्ट एरिया जो आपने रिमूव करना है वो सेलेक्ट करें, और फिर शिफ्ट F5 प्रेस करेंगे और ये जो है आपके सामने आती जाएगी, एंड देन ओके के ऊपर आपने क्लिक करते जाना है। ठीक है, तो आपके सामने ये जो है वन बाय वन चीज़ें जो है वो रिमूव होना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, और पीछे आपको नज़र आ रहा है कि जो हमारा बैकग्राउंड है वो थोड़ा डिस्टॉर्ट हो गया। लेकिन यहाँ पर मैंने क्या किया जी, ऊपर एरो के बटन नज़र आ रहे हैं, नीचे आपने क्या करना है, राइट क्लिक करना है, तो उसके अंदर आएगा हमारे पास, आपने करना है जी लेसो सेलेक्ट करना है। जिस जैसी ये शेप बनी होगी ना टेढ़ी मेढ़ी सी, वैसी आपने सेलेक्ट करना है, और इन दोनों आदमियों के ऊपर ना आपने आउटलाइन ड्रा कर लेनी है जैसे ये नज़र आई है। ठीक है, उसके बाद मैंने किया शिफ्ट F5, तो हमारे सामने जो है वो इस तरह से डिस्टॉर्शन का रिज़ल्ट जो है वो नज़र आया। ठीक है, ये अभी तक मैंने ये किया है, आपको उम्मीद है यहाँ तक समझ आ गई होगी। ठीक है, सिंपल मैंने क्या किया जी, यहाँ से आपने रेक्टेंगल करना है तो रेक्टेंगल कर लें, इक्लिप्स करना है तो वो इक्लिप्स की फॉर्म में आएगा। जैसे मैंने आपको बताया है जो मैंने यूज़ किया था वो था जी पॉलीगोनल था, तो वो हमने करके इस तरह से आउटलाइन की थी, और ये अगर आप इस तरह से सेलेक्ट करके सिंपल करें तो वो आपके सामने जो है वो चीज़ें इस तरह से आ जाएंगी। शिफ्ट F5 प्रेस करेंगे, कंटेंट अवेयर फील के ऊपर जाके कंटेंट अवेयर करेंगे, ये एडिट के बटन में जाके फिल का बटन आपको नजर आएगा, उस पर क्लिक करें, आपके सामने विंडो आएगी, कंटेंट अवेयर आपने रखना है और ये आपके सामने जो इस तरह से आ जाएंगी। ठीक है, अब हमने क्या करना है, आप इसको लेसो टूल के थ्रू भी रिमूव कर सकते हैं और आप जो है वो क्लोन के थ्रू भी रिमूव कर सकते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, जो आपने पार्ट जो है आपके सामने डिस्टॉर्ट हुआ है उसको आपने सेलेक्ट करना है, फिर उसके आपने क्या करना है जी, आपने क्लोन जो है वो आपको नज़र आ रहा है सिलेक्ट हुआ हुआ है। ठीक है, जिस स्टैम्प टाइप उसको आपने साइड वाले कहीं भी जगह पे रख के आल्ट प्रेस करके वो वाला एरिया जो है वो एक दफ़ा प्रेस कर देना, उसके बाद जो है वो आपके सामने इस तरह से ये भी ये पार्ट आ जाएंगे। ठीक है, ये जैसे आपके सामने नज़र आ रहा है टाइल्स जो है वो फिक्सेशन हो रही है, यहाँ से आपने जैसा सेलेक्ट करना वैसे आप कर लें। ऊपर आपको नज़र आ रहा है आपने सर्कल रखना, आप सर्कल रख लें, आपने उसका लाइनिंग में रखना है वो लाइनिंग में रख लें। ठीक है, आपने यहाँ पर ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपकी जो लाइन है वो लाइन से मैच करनी चाहिए, और यहाँ पे थोड़ा सा शेडो का इफेक्ट आएगा, ये आपका आना ही आना क्योंकि क्लोन टूल जब हम यूज़ कर रहे होते हैं ना तो ये चीज़ें जो है वो आपको नॉर्मली देखनी पड़ती हैं इस तरह से। लेकिन आपने यहाँ से मैं आपको ये करके बता रही हूँ, ये थोड़ा सा रफ भी हो सकता है, लेकिन आपने जो है वो एकोरेट करना, और अगर आपसे एकोरेट नहीं होता तो कोई परेशानी होना, आपने थोड़ा सा टाइम लगा लें, या फिर अगर नहीं होता तो जितना भी होता ना, मतलब ज़्यादातर आपने कोशिश करनी है कि आपसे हो जाए, और अगर नहीं होगा तो फिर जितना थोड़ा सा रह जाएगा वो उतने से काम चल जाएगा। ठीक है, इतनी सी मिस्टेक हो जाएगी तो वो चल जाएगी, बाकी आप दोबारा ट्राई कर लीजिएगा तो दोबारा आप जो है वो फाइल सबमिट करा सकते हैं, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। ठीक है, इस तरह से मैंने जो है ये अभी फ़िलहाल क्लोनिंग कर दी है। ठीक है, बाकी नीचे वाले पार्ट में हमने क्या किया, साइड में एरिया जो है वो उसके ऊपर आल्ट प्रेस करके सिंपल कर्सर से सेलेक्ट किया और एरिया हमारे पास इस तरह से सेलेक्ट हो गया, नीचे जो है हमारी क्लोनिंग एडजस्टमेंट हो गई। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है जी, ये सारी चीज़ें आ गई, यहाँ तक हमने इस तरह से ये चीज़ें जो है वो कर ली, लेसो टूल के थ्रू भी हो सकता है और क्लोन के थ्रू भी हो सकता है। ठीक है, लेसो टूल के लिए किस तरह से करना है वो मैं आपको बता दूंगी, वो आपने वीडियो देख लेनी है, इंतहाई आसान प्रोसेस एट द बिगिनिंग जो था वो हमने वही किया था, तो मतलब प्रीवियस जब बैच 4 चल रहा था ना तो तब भी सेम एक्सरसाइज थी, बस पिक्चर जो थी वो चेंज थी। ठीक है, तो इस तरह से ये जो थी वो हमारी एडजस्टमेंट होगी, उम्मीद है आपको ये चीज़ें जो है वो समझ आ गई होंगी। अगर आप क्लोन करेंगे तो थोड़ा सा शेडो का इफेक्ट आएगा। ठीक है, पॉलीगोनल, अब मैंने दोबारा से पॉलीगोनल सेलेक्ट कर लिया, और ये जो आदमी नज़र आ रहा है ना साइड पे, इसको हमने करना था सेंट्रलाइज, इसको हमने क्या करना, इस तरह से इसको फाइन जो है वो आउटलाइनिंग कर लेनी है इसकी, जैसे मैं कर रही हूँ सेम टू सेम आपने उसी तरह से जो है वो इसकी आउटलाइन कर लेनी है, और उसके बाद जो करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, यहाँ से पहले मैं जल्दी जल्दी से ये कर लेती हूँ,
और ये आपने मतलब इतने रिफाइन तरीके से करना है कि जो है वो आपकी चीज़ें जो आदमी का जो मूवमेंट है वो डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, तो ये हमारा हो गया था, इसको मैं दोबारा से कर लेती हूँ इस तरह से। इसका पॉलीगोनल का ये फ़ायदा होता है कि आपको इतने जो है वो बार बार कंट्रोल प्रेस करके नहीं रखना पड़ता। आप जहाँ जहाँ भी आपने पॉइंटिंग करनी होती है वहाँ पे आप सिंपल प्रेस करते जाते हैं, छोड़ते जाते हैं, तो वो आपका इस तरह से होता जाता है। ठीक है, जैसे ये हो रहा है, तो ये मैं आपको जूम करके भी बता रही हूँ। एक्सरसाइज फाइल आपको ज़रूर मिलेगी, लेकिन वो आपको अभी नहीं मिल सकती। ठीक है, अभी जब मेरी सही तरह से प्रिपेयर हो जाएगी तो वो मैं आपको ज़रूर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और फाइल किस तरह से ओपन करनी है उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और लेसो टूल के थ्रू आप किस तरह से एक पिक्चर जो है वो एडिट कर सकते हैं वो भी आपको पता चल जाएगा। आप सनी प्लस्ट का ऑप्शन नज़र आ रहा है, आपको नीचे नज़र आ रहेगा कंटेंट अवेयर मूव टूल। ठीक है, इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पे ये जो आपने सेलेक्ट एरिया किया ना, इसको यहाँ से सिंपल कंट्रोल प्रेस करके माउस को यहाँ से इधर ड्रैग कर देना। ठीक है, सेंटर के अंदर, तो ये आदमी जो है वो सेंटर के अंदर आ जाएगा। ठीक है, ये जैसे आपको नज़र आ रहा है, अगर आप फोटो भी यूज़ करेंगे तो आपके सामने ऊपर डायलॉग बॉक्स नज़र आ रहा होगा जहाँ पर ऑप्शन होंगी वेट की और एग्जिट पेज। आपने कभी भी एग्जिट पेज नहीं करना, आपने हमेशा वेट के बटन के ऊपर क्लिक करना। और जब आप वेट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे और वाइल एडिटिंग जब आप कर रहे हो तो आपने जो है सबसे पहले वो रिमूव किया तो उसके स्क्रीनशॉट लेने, उसके बाद आपने इसको सेंट्रलाइज किया तो वो ले ले, क्लोनिंग की या लेसो टूल का यूज़ किया तो उसका स्क्रीनशॉट लेके पहले टास्क के अंदर आप पेस्ट करा दें। सॉरी, मैंने आपको वो नहीं दिखाया। यूट्यूब के ऊपर मैं चले जाती हूँ, आपको बता देती हूँ आपने कौन सी वीडियो जो है वो देखनी है। वो ऊपर आपको आई बटन के अंदर भी नज़र आएगी, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर भी नज़र आएगी। सेम टू सेम एक्सरसाइज है, सिर्फ और सिर्फ जो इमेज है वो चेंज है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाते हैं नीचे, और यहाँ पे जी ये है इमेज, एक्सरसाइज 4 है डिजी स्किल्स की बैच 4 की, ये सर्च करेंगे तो आपको नज़र आ जाएगी। सेम टू सेम जैसा काम वहाँ पे किया वैसा ही काम हमने यहाँ पे किया, और ये वीडियो आपको हेल्प करेगी किस तरह से आपने जो है फाइल डाउनलोड करनी है और किस तरह से ओपन होगी। ठीक है, यहाँ भी आपको नज़र आ रहे हैं जब हम ये आदमी जो यहाँ पे मूव किया तो आफ्टर इफेक्ट्स जो है वो इस तरह से आ गया, पता चल रहा है कि यहाँ से हमने कोई चीज़ जो है वो यहाँ से यहाँ शिफ्ट किया है। तो ये हमारे पास है आफ्टर इफेक्ट। ठीक है, इसका स्केच जो है वो डार्क शेड में नज़र आ रहा है। अब आपने क्या करना है, इसको क्लोनिंग के थ्रू जो है वो हम क्लियर कर लेंगे। कुछ पार्ट जो है वो इसके क्लोनिंग के थ्रू क्लियर होंगे और कुछ जो है वो हम लेसो टूल के थ्रू क्लियर करेंगे। ठीक है, यहाँ से अगर ये देखें, अगर मैंने ये क्लोनिंग कर दी तो ये जो हमारे पास शेडो नज़र आ रहा है तो ये शेडो जो है वो तीनों के साथ कॉपी हो गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, फिर हम यहाँ लेसो टूल का यूज़ कर लेंगे ताकि हमारा बैकग्राउंड जो है वो एडजस्ट हो जाए। लेकिन जहाँ पे क्लोनिंग की ज़रूरत थी वहाँ पे मैंने क्लोन कर दिया। ये आपके सामने जो है वो इस तरह से नज़र आ रहा है। सिंपल आपने क्या करना है जी, एस प्रेस करके रखें और आर्ट प्रेस करके साइड वाला एरिया सेलेक्ट करें, और जहाँ पे भी आपने क्लोनिंग करनी है वो आप इस तरह से क्लोनिंग कर देंगे। आपके सामने नज़र आ रही है, एडजस्टमेंट आपने ठीक तरीके से करनी है और सब पार्ट सेलेक्ट करते रहें, जितने पार्ट पर आपने क्लोनिंग करनी है तो वो आपका जो है वो क्लोनिंग इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, जो सा भी पार्ट आप जो है वो क्लोन करना चाहते हैं, मतलब रिप्लेस करना चाहते हैं, मतलब फॉर एग्जांपल के एक पार्ट है उसको आप रिप्लेस करना चाहते हैं उसी पार्ट के अंदर, तो उसको हम कहते हैं क्लोनिंग। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास, इस तरह से हमने कर ली क्लोनिंग। और नीचे जो था यहाँ से हमारे पास चेंज था, और यहाँ पे इतना सा सेलेक्ट करके ये साइड वाला पार्ट हमने सेलेक्ट कर लिया तो इसकी जो है एडजस्टमेंट हमारे पास इस तरह से हो गई। नीचे हमारे पास क्लोनिंग की ज़रूरत थी तो यहाँ पे हम साइड पे जो है वो आर्ट प्रेस करके और ये प्रेस करेंगे, एक दफ़ा सेलेक्ट कर लेंगे जो अभी एरिया हमने क्लोन करना था, और ये हमारे पास जो है वो इस तरह से चीज़ें अपीयर हो जाएंगी। और उसके बाद साइड पे ये हमारे पास नज़र आ रहा था, ये थोड़ा डार्क शेड इसके लिए चाहिए थी तो ये हमने इस तरह से ये क्लोनिंग कर ली, तो हमारा बैकग्राउंड जो है वो इस तरह से फिलहाल एडजस्ट हो गया। ठीक है, लेकिन अगर आपने इसको अपना एज अ करियर लेके चलना तो आपको थोड़ा सा वो टाइम लगेगा इसको परफेक्ट करने के लिए। एट द बिगनिंग आपको इसी तरह से आपकी जो है वो चीज़ें वर्कआउट करेंगी। उसके बाद आपको ये नज़र आ रहा है, ये जो चीज़ है ये आपको शेडो और थोड़ी सी डिस्टॉर्शन नज़र आ रही है ना, ये आपका होगा ही होगा क्योंकि कि जब आप क्लोनिंग कर रहे होते हैं तो बहुत ज़्यादा जूम करके आपको ये करना होता है, और यहाँ से ये जो साइड से नज़र आ रहे हैं आपको रफ रफ चीज़ें, ये आपने लेसो टूल के थ्रू जो है वो क्लियर कर लेनी है। और यहाँ पे अब हम यहाँ पे देख लेते हैं, अगर हमारे पास कोई स्पॉट हुआ तो वो हम इसको क्लियर कर लेंगे। यहाँ पे आपको ये नज़र आ रहा है सनी प्लास्ट का ऑप्शन आपके पास आ रहा होगा, यहाँ पे आपने जाना जी स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल। स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल के ऊपर ऊपर आपको नज़र आ रहा है सोर्सेस एंड करंट लेयर, करंट लेयर के ऊपर जाके आपने सिंपल जो है वो आल लेयर्स जो है वो चूज़ कर लेनी है, और जहाँ पे भी स्पॉट है वहाँ पे आप प्रेस करते जाएंगे और क्लिक करते जाएंगे तो आपके जो स्पॉट्स हैं वो क्लियर होते जाएंगे। ठीक है, जैसे हमने इसके चीक्स के ऊपर से एक स्पॉट जो है वो क्लियर किया था, इस तरह से आपने ये जो है वो क्लियर कर देना।
तो ये सारी चीज़ें जो है वो इस तरह से कर लेनी है। साइज़ आपने बड़ा कर देना और हार्डनेस जो है वो इसकी ज़ीरो कर देनी है। अगर आप हार्डनेस 100% रखेंगे तो वो प्रॉपर जो है वो डिफरेंस नज़र आएगा कि यहाँ से इतना पैच जो है वो हमने अटैच किया और इतना पैच जो है वो यहाँ से थोड़ा चेंज हुआ है, तो वो अच्छा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा आपकी पिक्चर एडिटिंग के ऊपर। ठीक है, तो ये हमारा इस तरह से हो गया अभी तक के लिए। और फिर आपने क्या करना, फ़िल्टर में जाके कैमरा रॉ यूज़ कर लेते हैं। यहाँ से हमने टेम्परेचर कैसा देना है, टिंट क्या यूज़ करना है, एक्सपोजर क्या देना है, कंट्रास्ट ज़्यादा करना है, कम करना है, सेचुरेशन ज़्यादा करनी है, विवरेंस क्या होनी चाहिए, यहाँ पे आपने ये सारी चीज़ें जो है वो देख लेनी है अपने हिसाब से। उसके बाद है जी अपने अगर यूज़ करना कोई और फीचर, फॉर एग्ज़ाम्पल 3D यूज़ करना है या ब्लरिंग का फीचर कोई भी यूज़ करना है आपने, स्टाइलाइज करना है, शार्पन करना है या पिक्चर को थोड़ा नॉइजी इफेक्ट देना है, तो वो आप उसको उस तरह से दे सकते हैं। वो आपको नज़र आ रहा है ऊपर, एडिट में जाके आप सिंपल चले जाएं या फिल्टर में जाके, फिल्टर गैलरी अगर आप ओपन कर लें तो ये आपके सामने इस तरह से इफेक्ट आ रहे हैं। यहाँ से आपने जो भी चूज़ करना है वो आप कर लें। और एडिट के अंदर जाके, इमेजेस के अंदर जाके अगर हम जाएं तो एडजस्टमेंट का नज़र आ रहा है, कर्व्स करने हैं, लेवल्स करने हैं, ब्राइटनेस इन्हांस करनी है, कंट्रास्ट जो भी आपने देना है तो वो आपने उस तरह से कर लेना। ठीक है, तो ये आपके सामने जिस तरह से भी हो रहा है आपने वो कर लेना। बाकी आपने अगर लैसो टूल के थ्रू करना है तो वो आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। और अगर आपने क्लोनिंग के थ्रू करना है, बैकग्राउंड ये मतलब रिमूव वगैरह करना है, तो वो आपको इसी वीडियो के अंदर बता दिया गया है कि आपने सबसे पहले एरिया सेलेक्ट करना है, जो भी आपने पार्ट जो था वो रिमूव किया था आपने उस पार्ट को सेलेक्ट करना बाय यूजिंग M। और उसके बाद आपने क्या करना है जी, शिफ्ट F5 प्रेस करेंगे तो आपका जो है वो होना स्टार्ट हो जाएगा। क्लोनिंग क्या है, वो कंटेंट अवेयर उस तरह से आएगा। ठीक है, और क्लोनिंग के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपने S प्रेस करना है। S प्रेस करने के बाद आपने साइड से जो भी पार्ट आप रिप्लेस करना चाहते हैं और रिप्लेस पार्ट के ऊपर लगाना चाहते हैं तो वो आपने क्या करना, Alt प्रेस करके रखना और एक दफ़ा उस पार्ट के ऊपर क्लिक कर देना, तो आपके सामने जो है वो पार्ट सेलेक्ट हो जाएगा और जहाँ जहाँ भी आपने वो क्लोन करनी है वो आप कर देंगे। ठीक है, एक चीज़ के ऊपर दूसरी चीज़ जो है वो लगाना और उसको स्टेबल बनाना, ये होता है क्लोनिंग। ये हमारी होगी। उसके बाद सेकंड के अंदर उन्होंने कहा था आपने फाइनल वर्जन जो है वो अपना देना है, तो यहाँ पे मैंने जो कॉपी किया था वो फाइनल वर्जन जो है वो हम यहाँ पे दे देते हैं। अगर आपसे परफेक्ट नहीं बनता तो आप दोबारा ट्राई कर लें, और अगर आपसे फिर भी नहीं बनता तो एक दफ़ा दे के आप सबमिट करा लें। अगर आपका कोई है मार्क्स का इशू आएगा तो वो आपके सर्टिफिकेट के ऊपर कोई इशू नहीं बनेगा। ठीक है, सिर्फ आपका सबमिट कराना ज़रूरी है, आपको सिर्फ जो है चीज़ें करनी आनी चाहिए कि किस तरह से कौन सा टूल वर्कआउट करता है और कौन सी चीज़ जो है वो कहाँ पे अप्लाई होती है और उसका पर्पस क्या है, उसका यूज़ ऑफ पर्पस क्या है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अभी तक आपको पता चल गई हैं। फिर बता रही हूँ, ये जो एक्सरसाइज है वो हमने क्लोनिंग के थ्रू और इन सम पार्ट्स हमने लेसो टूल जो है वो यूज़ किया है, बाकी हमने क्लोनिंग के थ्रू जो है वो इसकी एडजस्टमेंट की है। अगर आपने लेसो टूल के थ्रू करनी है तो वीडियो जो है वो मैं आपको बता चुकी हूँ और वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, तो उसके थ्रू भी आप कर सकते हैं। बेहतर ये है कि जैसे आपके साथ ये वीडियो चल रही हो उसी के साथ आप जो है वो परफॉर्म करें तो आपके लिए ईजी रहेगा, या फिर आप की बना के रख लें। और साइड पे थर्ड पे हमने लेयर पैनल का देना था, तो जहाँ पे भी हम जो भी टास्क परफॉर्म कर रहे होते हैं तो ये हमारे पास लेयर पैनल का जो था वो स्क्रीनशॉट आ गया और इसको हमने कर दिया पेस्ट और इसको कराएं सबमिट। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ और अल्लाह हाफिज़।